आप सभी का आज की वर्चुअल क्लास में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अल्कोहल पढ़ा था और अल्कोहल में हम कहां तक पहुंचे थे? मेथेनॉल के बनाने की विधि, लकड़ी से मेथेनॉल का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे एथेनॉल, और साथ में हम पढ़ेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसी के साथ ही पढ़ेंगे हम आज प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में अंतर के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है। हम इन तीन चीजों को पढ़ेंगे आज। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एथेनॉल से। तो हमारा आज का टॉपिक एथेनॉल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मेथेनॉल हम लकड़ी से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना? तो एथेनॉल को हम किन किन चीजों से प्राप्त करते हैं और इसका नाम क्या है? तो एथेनॉल का नाम है स्पिरिट ऑफ वाइन। और इसका दूसरा नाम है एथेनॉल स्प्रिट ऑफ वाइन, और इसका दूसरा नाम है ग्रैन अल्कोहल, ठीक है? अब हम इसकी बनाने की विधि पढ़ते हैं। तो अब हम इसका निर्माण करेंगे शीरे से। क्वेश्चन यहाँ नोट कर सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रही हूं, शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। अब यहां पर बात आती है शीरा किसे कहते हैं। जो मैंने शब्द यूज किया है शीरा, शीरा का मतलब यहां होता है कि गन्ने का रस, गन्ने के रस में से यदि हम शक्कर के क्रिस्टल को अलग कर दें, गन्ने के रस से यदि हम शक्कर के क्रिस्टल को अलग कर दें, तो शेष बचा हुआ पदार्थ जो कि हल्का पीला रंग का दिखाई देता है, उसे हम शीरा कहते हैं। बेटा, गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल अलग करने के पश्चात शेष बचा हुआ पदार्थ जो कि हल्का पीला दिखाई देता है, उसे हम शीरा कहते हैं। शीरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उनमें हमारा सबसे पहला स्टेप है तनुकरण। पहला स्टेप क्या है हमारा? तनुकरण। तनुकरण का मतलब तनु करना, यानी पानी को मिक्स करना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शीरा लेंगे और शीरे के अंदर हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। पानी मिक्स करने के बाद शीरा हल्का, क्योंकि गाढ़ा था वो, हल्का सा पतला हो जाएगा। क्यों लेंगे? क्योंकि उसमें किण्वन की क्रिया आसानी से हो सके। इसके पश्चात दूसरा हमारा बिंदु है अमोनियम लवण को मिलाना। अमोनियम लवण कौन कौन से हो सकते हैं? यहां पर अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? तनुकरण किया था, शीरा लिया, शीरे में हमने पानी मिक्स किया। पानी मिक्स करने के पश्चात उसके अंदर हम अमोनियम के लवण, जैसे अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट को उसके अंदर हम मिलाएंगे। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट क्या कार्य करते हैं? ईस्ट का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं वो?
ईस्ट का कार्य करेंगे। इसके पश्चात हमारा तीसरा बिंदु है, इसका स्टेप है H2SO4 को मिलाना, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण डालना उसके अंदर। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ही आप उसके अंदर डालोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का कार्य है जहां पर ईस्ट की क्रिया जो हो रही है उस क्रिया को बढ़ाना, और साथ में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं जिनकी प्रयोग की हमें आवश्यकता नहीं है उनको नष्ट करना। ईस्ट का क्या कार्य है, या सॉरी H2SO4 का क्या कार्य है, उसका कार्य है कि ईस्ट की क्रिया वृद्धि को बढ़ाना और साथ में ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करना जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात हमारा चौथा बिंदु है KID1। अब हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रही हूं वही आपको लिखना है। हमने पहले स्टेप में क्या किया, शीरे का तनुकरण किया, शीरे का जो हमारा येलो कलर का गाढ़ा घोल था उसमें हमने पानी मिक्स किया और उसको तनु किया। फिर उसके अंदर हमने अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट, चाहो तो यहाँ मैं नाम लिख देती हूँ, इन दो चीजों का मिश्रण डाल सकते हैं हम, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट। ये अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फास्फेट दोनों ही ईस्ट की क्रिया का कार्य करते हैं। इसके पश्चात हम तीसरा बिंदु यानी H2SO4, अब हमने उसके अंदर क्या डाला, थोड़ा सा हमने H2SO4 डाला। H2SO4 क्या काम करेगा, यहाँ पर ईस्ट की क्रिया की दर को बढ़ाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करेगा जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। और इसके पश्चात हम KID1 देखेंगे, तो हमारा जो पूरा विलयन तैयार है उस विलयन को हम बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर, बड़ी बड़ी टंकियां लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट डाल देंगे, सूखा ईस्ट, थोड़ा सा ईस्ट डाल देंगे, बड़ी बड़ी टंकियां लेंगे, उसके अंदर जो हमारा तीनों तनुकरण, अमोनियम के लवण और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद जो हमारा विलयन तैयार होता है, इस विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर भर दिया जाता है, और भरने के पश्चात यहाँ पर भी हम थोड़ी सी मात्रा ईस्ट की मिलाएंगे, और इस मिश्रण को हम 2 या 3 दिन तक 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इस मिश्रण को हम 2 से 3 दिन तक 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। इस मिश्रण को हम 2 से 3 दिन तक 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं, और यहाँ पर थोड़े समय के पश्चात हम वायु को भेजेंगे। अभी यहाँ पर वायु का कोई भी साधन नहीं है, थोड़े समय के पश्चात हम भेजेंगे, तब आप देखेंगे कि जो शक्कर के से हमें जो शीरा था उस शीरे से हमें अल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, रिएक्शन के द्वारा बताऊंगी आपको। इसकी पहली रिएक्शन KID1 के अंदर जो हमने सारी चीजें मिलाई हैं, उसके पश्चात जो रिएक्शन हो रही है KID1 के अंदर वो इस तरह से होगी, C12H22O11 यानी सुक्रोज, तनुकरण यानी पानी मिक्स किया, एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, इन्वर्टेज की उपस्थिति में ये दो भागों में टूटेगा, C6H12O6, और दूसरा भी सिमिलर बनाएगा C6H12O6। एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है फ्रक्टोज, ठीक है। अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज का हम देखेंगे, C6H12O6, या तो ग्लूकोज ले लीजिए या फ्रक्टोज ले लीजिएगा, फिर ये क्रिया करेगा जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा ईस्ट डाला है, यानी उसके अंदर एंजाइम्स है। एंजाइम क्या कार्य करते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ने का कार्य करते हैं, तो क्या करेगा ये,
इसकी उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो बनाएगा C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एथिल अल्कोहल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। यहां पर एक चीज नोट करने लायक है, वो आप नोट कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना जब बंद हो जाए, इस प्रोसीजर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना जब बंद हो जाए तो शेष बचे हुए पदार्थ को हम वॉश कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इस अभिक्रिया के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना बंद हो जाए तो जो पदार्थ बचता है उस पदार्थ को हम वॉश कहते हैं। अब हम वॉश का क्या करेंगे, अगला हमारा स्टेप था। हमने कितने स्टेप देख लिए, चार देख लिए। अब हमारा पांचवा स्टेप है, उसका नाम है आसवन। अब हम क्या करेंगे, आसवन करेंगे। हमको वॉश मिल गया, अब हम क्या करेंगे, वॉश में 6 to 10% कितना रहता है वॉश के अंदर, 6 से 10% एथिल अल्कोहल, साथ में जल और कुछ त्रुटियां होती हैं, अन्य त्रुटियां पाई जाती हैं। अन्य त्रुटियां पाई जाती हैं, इन त्रुटियों को हम आसवन के द्वारा, इन त्रुटियों को हम आसवन के द्वारा अलग कर लेते हैं। जिससे हमें 90% अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। हम